हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्विस राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा काफ़ी कॉमन हाउस प्लांट है और काफ़ी टाइम से ये गार्डनर्स की पसंद रहा है और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर में, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आपको ये गार्डनर्स के पास देखने को मिल ही जाता है। और इसका जो प्रोपगेशन का तरीका है वो कटिंग और सीडलिंग के थ्रू प्रोपगेट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली लोग इसे सीडलिंग के थ्रू ही ज़्यादा प्रोपगेट करते हैं। लेकिन जो मेरा पसंदीदा मेथड है वो है कटिंग के थ्रू प्रोपगेट करना, क्योंकि जब भी आप इसे सीडलिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं कि आपने जो सीड्स ग्रो किए हुए हैं, भले ही वो इस वाले मैरीगोल्ड के क्यों ना हो, मैं इसी को सुखा करके, ड्राई करके इनके सीड्स निकाल के भले ही मैं प्रोपगेट करूँ, सीडलिंग करूँ इनकी, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है कि इनके सीड्स से ग्रो किए हुए प्लांट डिक्टो इनकी कॉपी होंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। इसीलिए मैं कटिंग को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट सेम डिक्टो कॉपी होते हैं अपने मदर प्लांट की। तो मैं मार्केट से परचेज करके ले आता हूँ प्लांट मैरीगोल्ड के, और जिस भी मैरीगोल्ड में बड़े साइज के मैरीगोल्ड निकलते हैं मैं उनकी कटिंग कट करके उनको फिर से ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप मैरीगोल्ड की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। लगभग 5 से 6 इंच की कटिंग लेंगे, जिस भी हमें मैरीगोल्ड की कटिंग लगानी है, बड़े वाले की, छोटे वाले की, जिस भी लगानी है उनकी कटिंग लेंगे, और उनकी कटिंग की जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन्हें भी हम कट करके हटा देंगे, जिससे हमारी कटिंग पे ज़्यादा लोड ना पड़े। और पॉटिंग मिक्स में मैं ले रहा हूँ सैंड 50% और 50% वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें अपने जिस पॉट में लगाना है अपनी कटिंग को, उस पॉट में इसे फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद हम इस पे अच्छे से बेडिंग तैयार कर लेंगे। मैंने अपनी सारी कटिंग को पानी में कुछ देर भीगने के लिए रख दिया था, जिससे ये हल्की सी गीली हो जाए, और इससे मैं रूटिंग हार्मोन लगाने वाला हूँ। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। रूटिंग हार्मोन लगाने से सिर्फ और सिर्फ रूट्स आने की जो है, जो जल्दी, मतलब कि जल्दी रूट्स आती हैं। तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं तो आप उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो, बिना रूटिंग हार्मोन के भी रूट्स आ जाती हैं। तो मैं रूटिंग हार्मोन में ऐसे अपनी सारी कटिंग को डिप करूँगा, और डिप करने के बाद इसमें लगाऊँगा किसी टूल की हेल्प से, हल्का सा गड्ढा बना करके इसे अपनी कटिंग को अंदर डाल देंगे और इसे सेट कर लेंगे। और ऐसे ही अपनी सारी कटिंग को डीप कर करके इसमें लगा देंगे। इसके बाद अपने इस पॉट को अच्छे अमाउंट में पानी देंगे, और तब तक पानी देंगे जब तक इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना ना शुरू हो जाए। एक बार अच्छे अमाउंट में पानी देने के बाद अब हम इसे किसी ऐसे लोकेशन पर रख देंगे जहाँ पे मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट आए, उसके बाद वहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आती हो, और इसको हम डेली वाटरिंग करेंगे। ओवर वाटरिंग का खतरा इसमें नहीं है, क्योंकि पॉटिंग मिक्स मैंने ऐसा यूज़ किया हुआ है इसमें कि आप जैसे ही भी पानी डालेंगे फट से वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। जितना पानी इसे ज़रूरत होगा उतना पानी ये लेगा, और उसके बाद सारा का सारा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। इसको आप मॉइस्चर मेंटेन रखें, मॉर्निंग की सनलाइट दें, उसके बाद आपको इसमें अच्छे अमाउंट में रूट्स देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज मुझे इन कटिंग को लगाए हुए 10 दिन हो चुका है, और आज मैं इनको चेक करने वाला हूँ कि इनमें रूट्स डेवलप होना शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है। अगर रूट्स डेवलप हो चुकी हैं तो मैं इनको किसी नई जगह पे शिफ्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ कटिंग को निकाल के चेक करता हूँ।
और आपको दिखाऊँ अगर मैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। तो अभी इनको आप कहीं पर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं बाकी कटिंग को भी बाहर निकाल लेता हूँ और सबको निकाल के चेक कर लेता हूँ कि इन सब में रूट्स आई हैं या नहीं आई हैं, और सबको मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ पे उनको ट्रांसप्लांट कर दूँगा। सारी कटिंग को मैंने बाहर निकाल लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक कटिंग में मुझे रूट्स नहीं दिख रही हैं और बाकी सारी कटिंग डेवलप हो चुकी है। आई डोंट नो ये कटिंग मेरी क्यों सक्सेस नहीं हुई, और इसी पत्तियाँ भी कुछ अब मुरझाई सी लग रही हैं ऊपर। बाकी जितनी भी कटिंग मैंने लगाई है सब में अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई हैं। आपको दिखाऊं अगर मैं, तो सारी की सारी कटिंग में अच्छे से रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास जो भी जिस भी मैंने मदर प्लांट की कटिंग किया हुआ था उसकी डिक्टो कॉपी मुझे मिल गई है। अब मैं जहाँ भी इनको चाहूँ वहाँ पे अब इनको शिफ्ट कर सकता हूँ, जिस भी पॉट में लगाना चाहूँ, ग्राउंड में लगाना चाहूँ, जहाँ भी लगाना चाहूँ मैं इनको वहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।